जी हाँ, ऊटी की सुंदरता मनमोहक है। हेलो दोस्तों, कुनूर में सिम्स पार्क घूमने के बाद हम जा रहे हैं ऊटी के टी गार्डन्स की रोमांचक सैर के लिए। अगर आपने सिम्स पार्क की वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक आपकी स्क्रीन पे है, डू चेक इट आउट। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। ऊटी देश के दक्षिणी हिस्से में सबसे खूबसूरत स्थलों में से एक है और इस तरह हर साल यात्रियों को खूब आकर्षित करता है। लेकिन प्राकृतिक सुंदरता के अलावा यह ऊटी में खरीदने वाली चीज़ें भी हैं जो इसे देश में सबसे अधिक मांग वाले गंतव्यों में से एक बनाती है। इसकी कोमल और सुहावना मौसम, चाय, मसाले और तेल और यहाँ तक कि पनीर बनाने के लिए भी आदर्शपूर्ण है। ऊटी अपने चाय के बगीचों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। माहिरता से धुनने से बहुत कुछ मिलेगा। धूल और पत्ती, काले, हरे और सफ़ेद किस्मों के मसाले, चमेली, इलायची और यहाँ तक कि चॉकलेट जैसे स्वाद भी। ऊटी को वास्तव में क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है और यह सचमुच क्वीन है। लुभावने दृश्य और चाय के बाद इसे एक छोटी सी छुट्टी के लिए एक आदर्श हिल स्टेशन बनाते हैं। और लाइक दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं टी गार्डन्स के पास। ये जगह वाकई लाजवाब है। यहाँ का ये बेहतरीन मौसम और ये घने चाय के बाग देखने के बाद और इसे महसूस करने के बाद आप शायद ही इस नज़ारों को कभी भूल पाएंगे। यहाँ एक टी म्यूजियम भी है जहाँ यात्री भारत में चाय के इतिहास और नीलगिरी में इसके विकास के साथ दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली चाय की पत्तियों की विभिन्न किस्मों की उत्पत्ति के बारे में जान सकते हैं। यू नो, नीलगिरी क्षेत्र अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध है और ऊटी के अधिकांश क्षेत्र चाय के बागों से घिरे हुए हैं। टी एस्टेट या प्लांटेशन प्रवासियों के आकर्षण में से एक है और टूरिस्ट टी एस्टेट में टहलने का आनंद लेते हैं जो उन्हें शांति प्रदान करता है। ये जगह वाकई में काफ़ी खूबसूरत और मन को शांति देने वाली है। वह स्थान जो अपनी चाय के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय है वो है ग्लेनमोर्गन, जो टी एस्टेट की संपदा में से एक है और ग्लेनमोर्गन भी प्रसिद्ध पिकनिक स्थलों में से एक है। ऊटी में उनके चाय के बागों के लिए खुद की टी फैक्ट्रीज है। यात्रियों को चाय की फैक्ट्रियों के अंदर भी जाने की पूरी अनुमति है। आप तस्वीरों को भी ले सकते हैं और इसे अपने जीवन काल में एक यादगार पल के रूप में बना सकते हैं। कोई प्रवेश शुल्क भी नहीं है और आपको उनमें से किसी से भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है ताकि आप टी एस्टेट के दृश्य का आनंद पूरी तरह से ले सकें। ऊटी की प्राकृतिक सुंदरता और ताज़ी हवा से भरा मौसम वास्तव में बहुत अच्छा है। ज़रा देखिए चारों ओर, यह वाकई लाजवाब है। हमें चाय के पाउडर की पूरी व्यवसायी प्रक्रिया देखने को मिलती है। चाय की विभिन्न किस्में हैं। इस स्थान पर कई अच्छी दुकानें भी हैं जहां हमें चाय पाउडर, अच्छी क्वालिटी का शहद, आवश्यक तेल और घर का बना चॉकलेट खरीदने के लिए मिलता है। चाय का स्वाद वास्तव में काफ़ी अच्छा है। ऊटी छोड़ने से पहले हर यात्री को एक चीज़ खरीदनी चाहिए, वो है चाय। अपने खूबसूरत चाय के बागों के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है
ऊटी चाय के इतने सारे प्रकार का उत्पादन करता है कि एक चाय को परखने वाला माहिर भी सही फ्लेवर पसंद करने के लिए कंफ्यूज हो जाता है। और हाँ, एक बार फिर से याद दिला दूँ, यहाँ से जाने से पहले चाय के एक गर्म कप को चखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आप उस जगह की खूबसूरत वातावरण को संजोते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं अगले हफ्ते ऐसे ही एक लाजवाब जगह की सैर करने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव, टिल नेक्स्ट टाइम।